मैं आवा जे में आवा ता रेलन नु हे में आवत हां सो हेलो भाई वेलकम माय न्यू ब्लॉग और ए तोरा ते रही के ना सो हेलो भाई आप क्लिप देखकर समझ गए कि अपने स्टेशन से लेकर के मैं रानीगंज तक का कवर आज किया हूँ। सो आया था इसी भाई के दुकान पे जो कि महादेव मतलब क्या है महादेव जेंट्स पार्लर है और इन्हीं के दुकान पे मेरा मतलब बार और कटवाता हूँ और इनका एक सिंगिंग वाला चैनल भी है जो कि गाना वाना गाते हैं ये भाई। सो आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि मतलब जानकारी ले लीजिए कि इनका कौन सा चैनल है बताइए। मेरा चैनल नीरज राजा गोलू ऑफिशियल के नाम से चलता है YouTube और आप नीरज राजा गोलू ऑफिशियल को भी मतलब सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और डिस्क्रिप्शन आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं ऐसे रानीगंज, बुरा लग रहा है ना अभी फिर बाद में बदल जाएगा। चलो भाई क्लिप देखकर आप समझ गए कि मैं रानीगंज मार्केट जा रहा हूँ और आ चुका है छठ, कल का डेट में है छठ और फिर पहुँच रहा हूँ रानीगंज मार्केट और पब्लिक प्लेस में आज भी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मतलब करूँगा। तो चलिए अभी चल रहे हैं, काफ़ी देर लगेगी जाने में, 5 किलोमीटर पड़ता है ना। तो एक रेवती का अगर नहीं देखें देखिए कब कौन सा वीडियो डालूंगा, 3 वीडियो मेरे माइंड में भी चल रहा है। सो पहला यही डाल रहा हूँ कि रानीगंज मार्केट का वीडियो डाल दूँ, उसके बाद रेवती, उसके बाद अपने गांव का। ओके तो चलिए आगे, मेरा रेलवे स्टेशन दल छपरा जो कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है। तो छोटा सा एक सीन दिखाना चाहूँगा कि मतलब अभी के डेट में कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है छठ घाट पे, जो भी सामान जाता है उसका मतलब केला सेव अनार अंगूर ये सब का कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है। एक बार बैक कैमरे से पूरी रिव्यू आपको दिखाते हैं, फिर जब सज जाएगा सजा देंगे हम लोग पूरी मार्केट को, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसा लगता है, फिर आप देखकर कमेंट कीजिएगा कैसा लगता है। और अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह का ब्लॉगिंग लेकर आते रहेंगे। देखिए पीछे नहीं लगाया, इधर सब कुछ बदल जाएगा, बिल्कुल नज़ारा बदल जाएगा अपने स्टेशन का। तो चलिए अभी फिलहाल मैं आपको दिखाते हैं आगे तक और फिर 2 दिन बाद, क्योंकि आज है 28 तारीख, तो 28 तारीख के दिन कुछ अजीब है, फिर मतलब थोड़ा थोड़ा लगा है। देखिए अभी तैयारी कर रहे हैं सभी लोग, अभी पूरा तैयारी नहीं हुआ है, तैयारी हो जाएगा तो वो भी दिखाएंगे हम। देखिए अभी इधर भी लग रहा है, देखिए नींबू नारियल सब, और सबका प्राइस पूछेंगे हम कि कैसे अभी रेट है। सो अभी आप जुड़े रहिएगा यूँ ही वीडियो में, अभी चलते हैं रानीगंज और ये वीडियो आएगी आपको फाइनली 29 तारीख को, 29 तारीख को पूरा ब्लॉगिंग आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी चलते हैं रानीगंज, बाय। कैसे केजी है लड्डू बताइए? लड्डू ये 150 रुपये केजी है। 150 रुपये केजी, और ये रसगुल्ला? ये 150 रुपये केजी है। और ये सोन पापड़ी? 120 रुपये केजी। और ये पेड़ा? पेड़ा 280 रुपये है। ओके, और ये लौंगला तो सभी भाई जानते हैं कि 5 रुपीज इज इंडियन प्राइस। और देखिए यहाँ पे 180 रुपये केजी है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। रानीगंज में भी आए यार, रानीगंज में बहुत ज़्यादा भीड़ है, देखो मतलब अभी दुकान की भीड़ है, मतलब दुकान अभी लग रही है, इतना अच्छा लग रहा है ना। एक बार बैक कैमरे से दिखाएंगे और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं, तकरीबन 5 मिनट का ही यार। देखिए अभी रानीगंज मार्केट में भी दुकान लग रहा है सब, अभी ज़्यादातर लोग नहीं दिख रहे हैं क्योंकि सुबह का टाइम है, सुबह 8-9 बज रहा है। देखिए अभी इधर भी लोग तैयारी में, जोरदार तैयारी चल रही है भाई छठ पूजा की। चलिए और कुछ दिखाते हैं। भाई वीडियो अब ख़त्म करते हैं, काफ़ी देर हो चुका है आए हुए और ये है हमारे साथ, चलते हैं अब घर, ये रही बाइक, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट ब्लॉग में और जुड़े रहिएगा ऐसे ही।